भैया आप बैठ जाइए, हम लोग पुश कर देते हैं। रुआ बैठ जाइए, हमने के पीछे खेल देते हैं। अभी दूर बैठे चाबी देखो हमारा तो लाते था किलो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं खे, ढेर दूर नहीं के चाबी बन जाइए ऊपर। हाँ तो गाइस फाइनली भैया का स्टार्ट हो गया, बच्ची लिए हुए थे तो चलिए कोई नहीं। ठीक बनो भैया अब भोजड़ी वाला अभी आपको ज्ञात फेल रहा था कि गोली चलल देख लो बड़े हमारे लड़का अबे बाप के सामने गुंडाई करे कह तो ये ज्ञात फेल। सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड, जय श्री राम हर हर महादेव। कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा आंखों का हालत देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब आंसू आ चुका है, मैं रो रहा था गांडू का गम में, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो अभी हम निकलते हैं। अच्छा ये बताओ खाली तरह झूठ बोलेगा ठीक, बात पलटे का नहीं है। तो गाइस सवाल करते हैं, तू मेरा बेटा है सबको पता है। नहीं नहीं अच्छा अपना बाप का नाम बता। हैं बाप का नाम काची, अपना बाप का नाम बता झूठा। वो ब्लॉग तेरा कितना बाप है। तो कोई नहीं गाइस, आई लव यू डार्लिंग, ये मेरा डार्लिंग है, इतना ध्यान में रखिएगा। मतलब जो भी भोसड़ी वाला तो है ही कांडू छोदा। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं सासाराम के लिए फटाफट, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और ये देखिए अपनी ब्लॉगिंग ये स्टार्ट कर रहा है कांडू। तो चलिए कोई नहीं, हम यहाँ से निकलते हैं। और ये देखिए गांधी जी ने सुबह सुबह चाय पिलाया। तो गाइस निकलते हैं हम यहाँ से। तो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं वहाँ से, और हेलमेट बहुत जरूरी है। ये देखो हेलमेट का मजा, हेलमेट का। तो कोई नहीं गाइस, तो हम निकल चुके हैं। ये देखो सामने का व्यू काफी खतरनाक लग रहा है, और पीछे कुछ भोसड़ी वाले लोग हैं जो हॉर्न मार रहे हैं, ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो आराम से चलना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखना चाहिए जो कि हमारा है नहीं। पुलिस पकड़ेगा तो हम भागने के अलावा और कुछ काम भी नहीं है। हम भागना थोड़े दे रहा है। तो गाइस कोई नहीं चलिए चलते हैं हम। और ये देखिए हमारा काम जो कि हो चुके हैं हम गंदे, और आग में गई धूल, और इसकी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड गई मुझ का भूल। लवड़ा तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है फिर। तो मतलब गेट से जाग रहा था, अभी वीडियो में बना रहा था। तो चलिए कोई नहीं, मिलते हैं हम आगे आपसे। फाइनली गाइज अभी हम रुके थे टॉयलेट करने के लिए, और वो इतना बड़ा गांडू है कि मेरे को दिखा रहा है कि मूत्र है। बताइए भोसड़ी वाले लोग कमी नहीं है, चूतिया एक से एक भरे हुए हैं हमारे देश में। और ये देखिए आगे वाला चक्का उठा रहा है, और उतना दूर से हमको यहाँ पे भेजा है मूतने के लिए। तो चलिए कोई नहीं, तो कहाँ दिखाया थे इतना बड़ा गांडू है ना, हमको वीडियो में लिया है मुड़ते हुए भोसड़ी वाला है। तो चलिए कोई नहीं, सो गाइस ये चेक करो अपने भाई को, यहाँ पे रुके गाड़ी को ठंडा होने के लिए। तो कोई नहीं एक रैप अभी हम ये करते हैं जो अभी नया ट्रेंडिंग में चल रहा है, खाओ पई खाओ पैसा हगो ऐसा मजा जैसा। तो गाइस बहुत तगड़ा ही रील चल रहा है, और भैया यहाँ पे परेशान है, तो आइए इनका हेल्प भी करते हैं। तो कोई नहीं चलिए चलते हैं भोसड़ी के, ये सब खाना मत, तेल खत्म हो गई बा भैया, तेल खत्म हो गई बा यार। हो चुकी है दिक्कत, तो भैया को करते हैं थोड़ा सा हेल्प, कहते कि आप बैठिए हम लोग मतलब पुश कर देते हैं। तो कोई नहीं हेल्प करना अच्छी बात है, तो आइए चलते हैं। और उन्होंने एक बच्ची भी दी हुई है, तो चलिए उनका करते हैं हेल्प। और असल बिरयानी खाने का है तो हैदराबाद को आओ, बिरयानी के नाम पे सब खाते पुलाव। देखो अपने भाई अपने को देख रहे हैं। तो कोई नहीं चलिए यहाँ से निकलते हैं हम। तो कोई नहीं गाइस चलिए इंजॉय करते हैं हेल्प। भैया आप बैठ जाइए, हम लोग पुश कर देते हैं। हाँ
रहुआ बैठ जाएंगे, हमने के पीछे खेल देते हैं क्या अभी दूर बैठे चाबी देख तो किलो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ढेर दूर नहीं के चाबी बन जाइए ऊपर। हाँ तो भाई फाइनली भैया का स्टार्ट हो गया, बच्ची लिए हुए थे तो चलिए कोई नहीं, ठीक बनो भैया अब। गलत काम मत करो भाई, उसका चाबी लेके कोई भाग गया वहाँ से, ये कोई नहीं मिलते आपको डायरेक्ट सासाराम। तो फाइनली गाइस सासाराम में हम एंटर कर चुके हैं और ये देखिए सामने का व्यू काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, पूरे कारण दिख नहीं रहा होगा अच्छा से, तो अब देख लीजिए इतना खतरनाक लग रहा है। तो इसलिए कोई नहीं, पहले चलते हैं दुकान पर सामान वगैरह के लिए देते हैं, उसके बाद चलते हैं घर पर सामान वगैरह देना है। आ गए शायद, आइए चलते हैं दुकान। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं मोहित के मामा के दुकान पे, यहाँ पे सामान वगैरह निकल रहा है। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं मोहित के नानी घर और पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, तो यहाँ से नाश्ता वगैरह करके निकलते हैं हम लोग फटाफट। सो गाइस हमारे लिए पानी वगैरह आ रहा है और इसका दबाव भी देखो। सो फाइनली गाइस मोहित के नानी घर से निकल चुके हैं और ये देखो कालो, तो निकलते हैं अब घर के लिए, बहुत ज़्यादा हो चुकी है लेट, सामान यहाँ से लेते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं घर, कुछ खाएंगे रास्ते में, उसके बाद सीधा विक्रमगंज। बोल रहे कि गोली चला देखना पड़े, गोली मान ले तुरा पर चला ही जाओ, अरे साला खच्चड़ बदमाश बदमाश था, गधा 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 गिरी नुए ग्लव काटल में अपना में डाल ले, वाइट वाइट बाल लाल लाल हो जाए। तो फाइनली गाइस ये चेक कीजिए, 4000 का सामान लिया है इसने गधा ने, तो अभी हम लोग यहाँ निकले हैं, कुछ खाते हैं वहाँ पे गुंजा वगैरह, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं घर, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका और अंधेरा होने वाला है। और ये देखिए इसका ब्लॉगिंग स्टार्ट, खाली बकचोदी करते हैं, खाली बकचोदी। तो फाइनली गाइस इतना सारा बकचोदी करने के बाद हम लोग यहाँ से फिलहाल में निकल ही गए हैं, नहीं तो यहाँ से निकलने का मन नहीं था। अरे बाबू तो जोरू का गुलाम मरा था, एक बार घर में घुसता है निकलता ही नहीं है, 50 फुट किए तब जाके बाहर। क्या बोले गाइस, रास्ता में मतलब वीडियो बनाना ही बेकार हो गया है इन लोग के लिए। तो चलिए कोई नहीं, निकलते यहाँ से डायरेक्ट अब विक्रमगंज मिलेंगे आपसे, या फिर रास्ता में कहीं मतलब चाय वाय पीने के लिए रुकेंगे तो रुकेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये देखिए सामने में एक गन्ना दिख रहा है, गन्ना मतलब ऊख इख, जिसको बोल जिसको हम लोग पढ़ते थे UKG KG में, ई का मतलब होता है ईख ईख। तो कोई नहीं, वैसे इंस्टाग्राम में भी आप लोग बहुत बढ़िया प्यार दे रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से आगे हम। सो फाइनली गाइस हम सासाराम से निकल चुके हैं, सारा काम हो चुकी है ख़त्म, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए हमें रास्ते में ब्लॉग एंड करना पड़ रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को ना दबाना पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अपना प्यार बनाए रखें।